झारखंड में राजद की कमान उसे ही मिलेगी जो अधिक से अधिक सदस्य को पार्टी से जोड़ेगा। ये घोषणा राजद के प्रदेश कार्यालय में राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने की है। किसी का अपमान करने में उसके ठीक उलट हमारी पार्टी एक तरह से ए टू जेड पे यकीन करती है और सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, गरीब और गांव यह हमारे स्तंभ है। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, यही सिखाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चाहे हमें किसी भी तरह का कष्ट हो। अब रहा झारखंड का सवाल, अब आप हो सकता है कि सवाल कर सकते हैं कि साहब अभी जो है झारखंड पार्टी स्थगित है, भंग नहीं है, स्थगित है एक तरह से। बहुत जल्द चूंकि मेमोरी अभियान की शुरुआत हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परामर्श करके यहाँ कई पार्टी को जो है मतलब कागज में जो कहते हैं ऐसे कागज में भले मैं स्थगित हो मगर अपनी भूमिका, सक्रियता, निष्ठा में पार्टी में किसी भी तरह का कमी नहीं है। चाहे कोई अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, नहीं हो, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमारे सभी पदाधिकारीगण ने बहुत उत्साह से आज के इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिए। तो बहुत जल्द बन जाएगा। अब हम लोग समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रीय अब्दुल बारी सिद्दीकी ने झारखंड में सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि पार्टी का जनाधार झारखंड में काफ़ी रहा है और पार्टी कई पुराने साथियों के साथ हमेशा झारखंड में मजबूत रही है। झारखंड की राजनीति में राजद के बिना कोई भी राजनीति करना संभव नहीं है। ऐसे में राजद ने सदस्यता अभियान शुरुआत की है जिसे लेकर राजद के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है। हालांकि फिलहाल राजद की प्रदेश कमेटी भंग है, लेकिन झारखंड राजद में ये मान कर चला जा रहा है कि अधिक से अधिक सदस्यों को राजद से जोड़ने के लिए कवायद की जाएगी और इसकी सदस्यता अभियान की जिम्मेवारी पूरी तरह से पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश नारायण यादव को सौंपा गया है। जयप्रकाश नारायण यादव मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही हमेशा ही केंद्रीय नेताओं की ओर से झारखंड में बैठक करके सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में राजद का कुनबा झारखंड में तो बढ़ नहीं सका, लेकिन सदस्यत्व के जरिए राजद आने वाले 2024 की चुनाव की तैयारी पूरी करना चाहती है। राजद यह मान के चल रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी हों, इसके लिए ज़रूरी है कि सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक हो और इसी अभियान में पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से, अरे वाह आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल, हेलो। आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।